करनाल के गांव कालराम में 22 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक की हत्या को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है तथा पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर मर्चरी हाउस करनाल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। यहां आपको बताते चले कि युवक गुरदीप मजदूरी दिहाड़ी का काम करता था। युवक गुरदीप जेसीआई मशीन के पास सोया हुआ था और आरोपी बंटी ने मशीन का पंजा उसके ऊपर डाल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि आरोपी ने मशीन का पंजा युवक गुरदीप के ऊपर क्यों डाला, अभी इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी युवक बंटी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बता दें कि युवक की हत्या से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने पुलिस से अनुरोध किया है कि आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करके उनको न्याय दिलवाया जाए। सर, हमारे एक रिश्तेदार है लखनौती का, उत्तर प्रदेश, गुरदीप नाम का रिश्तेदार है और वो उसका मर्डर कर दिया। घरौंडा कालरम गांव में और बस्ताड़ा के बीच में एक भट्टा है, शिव कंपनी का भट्टा, वहां पर उसका मर्डर कर दिया है। उसी की डेड बॉडी यहाँ मधुबन थाना पुलिस ने यहाँ मर्चरी हाउस में रखवाई है। हम पुलिस वालों की 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अब वो कब पहुंचते हैं, कब पोस्टमार्टम होगा, कब हमें डेड बॉडी मिलेगी? और अभी तक भट्टे का जो मालिक है वो अभी तक भी मतलब जो है ना, मदद के लिए इनके परिवार के जिनका बेटा गुजरा है, जिस बहन का भाई गुजरा है, वो भट्टा मालिक अभी तक फरार है, वो अभी नहीं पहुंचा है। जो दूसरा ऑपरेटर है, जो जैसी मशीन से जिसने इसको लड़के को मारा है, वो भी फरार है, बंटी नाम का लड़का। जैसी मशीन का एक मालिक को पकड़ लिया है और अभी पुलिस ने एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई की है, बंटी ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज किया है। जबकि भट्टा मालिक क्यों फरार है, क्या वजह है फरार होने की, इन गरीब लोगों की मदद के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? हमें शक है कि शायद भट्टे मालिक का भी हाथ है इसके अंदर और हम चाहते हैं कि भट्टे मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई हो। उसने लॉकडाउन में भट्टा क्यों चलाया? कितने आदमी काम करते हैं वहाँ पे भट्टे में? तो तकरीबन 400-500 लोग काम करते हैं जी। क्या नाम है उसका? किसका जी? भट्टा मालिक का। भट्टे मालिक का नाम सन्नी है। मरने वाले का क्या नाम है? मरने वाले का नाम गुरदीप कुमार, पुत्र श्री पृथ्वी सिंह, गांव लखनौती, उत्तर प्रदेश से है। तो कोई रंजिश थी इनकी? नहीं, ये तो रंजिश का तो हमें कुछ मालूम नहीं जी, रंजिश तो नहीं थी। पिछले 4-5 महीने से काम कर रहा था, पहले JCB का ऑपरेटर था और बाद में अभी वो अपना ट्रैक्टर ट्राली भी गुरदीप लेके चला गया था। अब वो किस वजह से, क्यों उस लड़के की किस साजिश के तहत हत्या की है, JCB मशीन के बोकट से जो हत्या की है, दर्दनाक हत्या की है, तो ये बहुत ही दयनीय मतलब कार्य किया है। और इसमें भट्टा मालिक क्यों फरार है, किस वजह से भट्टे मालिक ने अभी तक मतलब जो है ना, इन गरीब लोगों की सुध नहीं ली है, जो कि उत्तर प्रदेश से लोग अपने बेटे की मृत्यु का मतलब समाचार सुन के अगर वहां भट्टे पहुंच सकते हैं तो पानीपत से भट्टा मालिक क्यों नहीं पहुंच सकता? पुलिस से सेटिस्फाई आप? पुलिस ने अभी तो सुना है कि एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन हम उससे सेटिस्फाई नहीं है। भट्टा मालिक किस वजह से फरार है, क्यों फरार है, भट्टा मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको मदद के लिए आगे आना चाहिए। और साथ में दूसरी बात है, लॉकडाउन में उसने भट्टा क्यों चलाया? अगर ये भट्टा ना चलता तो शायद इस लड़के की हत्या ना होती। आपका नाम क्या है? कृष्णलाल पुरो, सरपंच, ग्राम पंचायत मर गए। पोस्टमार्टम के लिए यहाँ डेड बॉडी आई हुई थी मेरे भाई की, उसी के लेने के लिए अभी पुलिस नहीं आई। तो क्या मामला है, पूरा क्या कहना चाहेंगे इसमें? साजिश ही है जी, सोची समझी साजिश ही है ये। ऐसे तो कोई किसी को मार नहीं सकता, हमें क्यों ना मार जाए कोई। कौन लोग है वो? भट्टे जहाँ काम कर रहा था। क्या नाम है उनके? नाम तो मुझे पता नहीं जी, पर जीसीपी के 2 थे जिन्होंने जीसीपी खरीदी हुई थी, उन नागर नुक्कर रख रखा था उस पर जीसीपी पे। पहले मेरे भाई ने भी उस पर काम किया जीसीपी पे कुछ दिन, उसके बाद फिर वो ट्रैक्टर लेते गए घर से मिट्टी ठाने के लिए वहाँ से भट्टे से। तो अब क्या मांग करते हैं आप? इंसाफ, सरकार से यही दरख्वास्त है, इंसाफ चाहिए हमें। क्या नाम आपका? सविता। मेरे पास 7 बजे फोन गया मेरे जवाई का, तो उसने बताया कि इस रूप जब इसे तो मार जाएगा, बच्चे पे काम कर रहे थे। फिर हम वहाँ से गाड़ी में बैठ कर यहाँ से पहुँचे तो हमने देखा वहाँ मौके पर, वहाँ से उसके ऊपर वो मशीन का पंजे तक मार कर, जो जेपी से एक डब खड़ी थी खड़ी कर दी, हटा गया मशीन उत्तर प्रदेश के मालिक ने। और जो इसमें भट्टा है शिव कंपनी, उसे सोते सोते के पर मार दिया बेदर्द, दर्दनाक उससे। क्या क्या कार्रवाई चाहते हैं अब आप? हम इसमें ये चाहते हैं कि ना तो भट्टे मालिक कार्रवाई, वहाँ फरार हो रहा है एक, वो ड्राइवर जिसने मारा वो फरार हो रहा,
ये मालिक जी भट्टे हुए इतने आदमी काम कर रहे हैं वहाँ से, तो उसे तो देखना चाहिए कि लेबर मेरी क्या कर रही है, मेरी लेबर में क्या हिसाब है, उसे तो रोज जाना चाहिए वहाँ से। और लॉकडाउन में इसने ऐसा ऐसा काम कर दिया। क्या नाम आपका? कीर्ति सिंह है जी मेरा नाम। नाम सुनील कुमार। सुनील, कैसे क्या घटना हुई है यहाँ भट्टे पे? ये मेरे भाई का साला था। नहीं, क्या नाम है? गुरदीप जी। तो रात को जेसीबी ये ट्रैक्टर चलाता था यहाँ पे, मिट्टी गिरता था। कौन से भट्टे पे? इसी भट्टे पे, शिव शक्ति भट्टे पे जी। रात को कोई करीब 11-12 बजे के आसपास जेसीबी से उसके पंजा रखा, सोते हुए गए मामला। किसने मारा? ये जेसीबी ड्राइवर था, बंटी नाम था, ये बबैल गांव का रहने वाला है। वो भी यही काम करता है जेसीबी? वो भी जेसीबी काम। कैसे क्या पुराने रंजिश है, लड़ाई झगड़ा कुछ? नहीं, रंजिश कुछ भी नहीं है, ये तो लड़का बहुत शरीफ था जी। ये तो किसी फालतू बात ही नहीं करता, पैसे का लेन देन वगैरह कुछ भी कोई। फिर क्या वजह रही, क्यों, क्या बताइए? अभी देखो क्या होता है, वो तो देखो पकड़े गए जाने के बाद ही पता लगेगा उसके अभी क्या रंजिश थी। उम्र थी गुरदीप की? उम्र 22 साल की सर। तो कैसे क्या घटना हुई है? ये आज सुबह सूचना मिली थी कि बस्ताड़ा के एक भट्टे पे मर्डर हो गया है। जो मौके पे आके पता किया तो एक 20-22 साल का लड़का है गुरदीप, जो यहाँ इस भट्टे पे काम करता था, और एक जेसीबी का है बंटी नाम का लड़का, ये अपना पानीपत डिस्ट्रिक्ट का है। तो इनकी किसी बात को लेकर के अपना रात कोई क्या सुनी होगी, और जिससे उसने अपनी जेसीबी से इस गुरदीप लड़के का जो है जेसीबी का जो पंजा है उसको पंजा मार करके उसका मर्डर कर दिया। तो कोई रंजिश वगैरह की बात सामने नहीं है कुछ? रंजिश की फिलहाल अभी कोई बात का पता नहीं लगा है, इन्वेस्टिगेशन में जैसे आगे आएगा उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके अपना पूछेंगे इस बात के लिए कि किस बात पे तुम्हारी रंजिश थी, क्या था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.